नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन सेक्रेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधार ऑथेंटिकेशन विथ एलपीजी कनेक्शन। गैस कनेक्शन के साथ आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूबर्स है जहां पे आप लोगों को ई केवाईसी के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों को सही से पता नहीं है कि ई केवाईसी का लास्ट डेट कब तक है। और उन लोगों ने सिर्फ ये बताया ई केवाईसी कैसे करें, इसके रिगार्डिंग मेरा दो चार वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं आई स्क्रीन पर उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ई केवाईसी का लास्ट डेट कब है और क्यों ई केवाईसी करना है, ई केवाईसी नहीं करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, टोटल आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि ई केवाईसी का लास्ट डेट कब है। देखिए कुछ दिन पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है, न्यूज़पेपर में भी छपा था और यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल में भी दिखाया गया था कि एलपीजी कनेक्शन के साथ ई केवाईसी का कोई लास्ट डेट नहीं है। क्योंकि मान लीजिए एक कंज्यूमर का आज कनेक्शन निकल रहा है, ठीक है, तो उनका ई केवाईसी कनेक्शन निकालने के साथ साथ ही करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक। और अगर वो क्या ई केवाईसी नहीं करेगा तो उनका ई केवाईसी पेंडिंग रहेगा, ऐसा जो कैश मेमो है उसमें प्रिंटेड रहेगा, ठीक है। तो ई केवाईसी जिन लोगों ने नहीं करेगा उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए अभी एलपीजी सब्सिडी बहुत ज्यादा नहीं है, जगह जगह पे 10 20 50 रुपया मिल रहा है, लेकिन जो पीएमयूआई उज्ज्वला योजना का जो भी कंज्यूमर है उन लोगों को 300 रुपया करके 300 रुपीज करके सब्सिडी मिल रहा है। तो बेसिकली ये ई केवाईसी जो रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है ये हर कंज्यूमर के लिए है। जो कंज्यूमर सब्सिडी लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। क्योंकि अभी दिखा जा रहा है कि जब से ई केवाईसी स्टार्ट हुआ है बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर ने नेम चेंज लीगल हेयर्स का प्रोसिक्योर कर चुका है, अब अभी भी कर रहे हैं, बहुत सारे नेम चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अब कंज्यूमर ने ये सोचने लगे हैं कि अगर ई केवाईसी नहीं करूंगा तो कनेक्शन बंद हो जाएगा। लेकिन कनेक्शन बंद नहीं होगा, कनेक्शन स्टार्ट रहेगा। गवर्नमेंट का एक क्या बोल सकता हूँ, गवर्नमेंट का एक तरीका है, जो कंज्यूमर ने डेथ हो गया, जिन जिन लोगों का डेथ हो गया है, मरा गया है, उस कंज्यूमर का कनेक्शन किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाए ताकि जो डीबीटी फैसिलिटीज है वो कंज्यूमर को आसानी से मिले, डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी सब्सिडी एलपीजी वो कंज्यूमर को मिले। जो जिनका डेथ हो गया उनके कनेक्शन पर अगर एलपीजी उठेगा, बुकिंग होगा, रिफिल सप्लाई होगा तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगा, इसमें कंज्यूमर का भी लॉस है। देखिए पीएमयूआई कंज्यूमर अभी 300 रुपीज करके सब्सिडी मिल रहा है उन लोगों को, लेकिन जो जनरल कंज्यूमर है उन लोगों को भी सब्सिडी मिलेगा। ऐसा ही एक न्यूज भी है हमारे पास, सभी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है कि अभी भी दो रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जगह जगह पे अलग अलग सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन ये टोटली बंद नहीं हुआ। क्यों बंद नहीं हुआ, क्योंकि सब्सिडी को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का एक सोच है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट डीबीटी फैसिलिटी को चालू रखने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके सही कस्टमर को पता कर रहे है। जिन लोगों का डेथ हो गया है उन लोगों का तुरंत नेम चेंज लीगल हेयर्स करना है, नेम चेंज आधार्स करना है, जो भी है वो काम आपको बहुत जल्द कर लेना है। और एक बार ई केवाईसी का लास्ट डेट नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिन लोगों ने बोला कि 31 जुलाई, 31 अगस्त ऐसे बोल रहे हैं, और बहुत सारा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूबर्स भी है जिन लोगों का बोला आज ही लास्ट डेट है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। ई केवाईसी हर दिन चलेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब गवर्नमेंट ने घोषित करेगा कि आज लास्ट डेट है, ऐसे दिन लास्ट डेट होगा, उस डेट के बाद जो कंज्यूमर ई केवाईसी नहीं करेगा उन लोगों को सब्सिडी नहीं मिलेगा। मान लीजिए जब से हर कंज्यूमर को सब्सिडी मिलेगा तब से ई केवाईसी बंद हो जाएगा, और जो नया कनेक्शन बनेगा सिर्फ उसी के लिए ई केवाईसी का जो फैसिलिटी है वो चालू रहेगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया है कि ईकेवाईसी का लास्ट डेट नहीं है और ईकेवाईसी क्यों करना है। तो वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, अलविदा, जय हिंद दोस्तों।